कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को अचानक बत्ती गुल हो गई। इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिजली कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने काटी होगी। पात्रा ने ये भी आरोप लगाया कि बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अडानी और दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे लगता है कि उनके पीछे बैठे लोगों ने ही बिजली काटी होगी। मुझे तो जयराम रमेश पर शक है। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी समूह और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ सेकंड बाद बिजली आई तो राहुल गांधी बोले कि पता नहीं कौन सा अडानी पावर है और मोदी पावर है, हालांकि सब एक हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिजली गुल हो जाने पर तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा, बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अडानी और दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनका ऑफिस है, उनकी ही बिजली है। मुझे लगता है कि उनके पीछे बैठे लोगों ने ही बिजली काटी होगी। मुझे तो जयराम रमेश पर ही शक है। सोचा होगा बहुत हो गया, अब काट दीजिए बिजली। राहुल गांधी तोते की तरह एक ही शब्द बोलते रहते हैं। उनके पास तीन शब्द है, अडानी, अंबानी और चोर। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनके शब्दों का प्रयोग होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये राहुल गांधी जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है, बोलता रहता है। वो तीन शब्द है उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं। मैंने तो अपने इतने वर्षों में राहुल जी के पता नहीं राहुल जी के पीसी का होता क्या है, वो एक ही सेंटेंस रहता है। ये आप लोग भी पूरा पूरा क्यों दिखाते हैं उनके पीसी को? बीच में तो बिजली चली गई थी और उसमें भी वो आरोप किसी पता नहीं अडानी और मोदी जी पे लगा रहे थे। अरे उनकी उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे तो लग रहा है कि उनके पीछे जो लोग बैठे होंगे, जयराम रमेश जी ने नहीं काट दिया हो कि बहुत हो गया आप काट दीजिए बिजली का, बस हो गया इनका। मुझे तो वो जयराम रमेश जी के ऊपर ही शक है कि उन्होंने बिजली काटी होगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी के पास वही चंद नाम है, वही चंद तरीका है। उन्होंने उसी तरह से फिर भाजपा पर आरोप लगाया है। मुझे याद है राफेल को लेकर राहुल गांधी इसी तरह खड़े हुए थे। कोरोना के समय भी वह इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये राहुल गांधी का तरीका है भारत पर हमला करने का, और जो स्ट्रक्चर भारत को बचाता है उस पर हमला करने का। वहीं आपको बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बुरी तरह डरे हुए भी दिखे। दरअसल न्यूज 18 के पत्रकार नीरज कुमार द्वारा सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन्हें ही भाजपा का एजेंट बता दिया। नीरज कुमार ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों पर राहुल गांधी से उनका पक्ष पूछा था। इसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उन्हें ही भाजपा का एजेंट बताने लगे। किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता से किसी अन्य प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछना पत्रकारिता की एक आम प्रथा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वे भाजपा के इशारे पर सवाल पूछ रहे थे। नीरज ने राहुल गांधी से कहा, ये एक पत्रकार का सवाल है, कांग्रेस के सवाल भी हम बीजेपी के सामने ऐसे ही रखते हैं। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।